खरगोन जिले के गोगांव में शनिवार को हुई मूसलाधार बरसात के कारण बाजार पूरी तरह से बंद रहा। वहीं अपर वेदा पर बने डैम के गेट खुलने के कारण करीब 10 घंटों तक पुलिया पर पानी बहता रहा, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ है। इसी के साथ नगर के नयापुरा मोहल्ले में पानी भर गया। पानी भरने के कारण वहां के निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वेदा नदी में जलस्तर बढ़ते देख आसपास के मकानों और दुकानों में से सामान खाली करवाया गया। करीब 13 वर्ष के बाद गोगांव वेदा नदी में बाढ़ आई है, जिसको देखने के लिए नगरवासी उमड़ पड़े। सुबह 8 बजे नदी में आई बाढ़ की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा के लिए पुलिया के दोनों किनारों पर पुलिस जवान तैनात किए गए। नगर में करीब 24 घंटे तक बरसात होती रही। गोगांव से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। इससे पहले 2010 में वेदा नदी के पुल पर करीब 3-4 घंटे का जाम लगा था और पानी बढ़ा था। उस समय भी ऐसी स्थिति थी, पर आज इतने साल 13 साल बाद आज फिर से देखने को मिल रहा है कि वेदा नदी के पुल पर पानी अभी भी शाम के 6-6:30 बज रही होगी, फिर भी पानी करीब करीब वेदा नदी के पुल पर 2 से 3 फीट ऊपर दिख रहा है और आवागमन बंद है। यहाँ का सुरक्षा की दृष्टि से गोगांव की जो पुलिस व्यवस्था है वो भी काफी दुरुस्त है और लोगों को ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से देखी जा रहा है और हटाया जा रहा है कि किसी प्रकार से जनहानि नहीं हो। राजस्व हमला कोई नजर आया? राजस्व हमला इसलिए भी नजर नहीं आ रहा था कि आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटवारियों की हड़ताल थी और पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व हमला यहाँ नहीं दिखा गया। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, आए भी हो तो हमें पता नहीं है। क्या नाम आपका? महेंद्र गुप्ता, गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।